ये देख, ये वीडियो भी बन रही है और गर्मी है, हवा तो चल रही है लेकिन गर्मी है। और पसीने मुझे भी छूट रहे हैं इस गर्मी की वजह से, पसीने जो हैं। ये देखें, ये लोग थोड़ी सी एक साया सा बना हुआ है, वहाँ से फिश वगैरह का भी अरेंज किया हुआ है और लोग जो आके यहाँ पे पिकनिक वगैरह भी मना रहे हैं। तो ये है जी नाजरीन, ये देखें दरिया कैसे बल खाता हुआ ये आ रहा है। अगर ये ना बेचा गया होता तो इस वक्त एक तो पानी भी नीचे ना जाता और पानी जो है वो कड़वा ना होता बहावलपुर का या लोधरा का, और पानी भी पीने के काबिल होता और यहाँ पे भी लोग जो हैं पार्क वगैरह यहाँ पे सैर और सियाहत के लिए आते। जिस तरह ये अब 10-15 दिनों बाद ये पानी खुश्क हो जाएगा। ये सामने ये जो है ये गाड़ियाँ और ये दो मेन पुल हैं। ये है जी बहावलपुर, दरियाए सतलुज का मुकाम। गंडा सिंह बॉर्डर आपने देखा होगा, सुना होगा, वहां से फिरोजपुर जो है वो 6 किलोमीटर इंडिया का वो जो है वो सामने नजर आता है। फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट है, उसका गांव जो है वो गंडा सिंह बॉर्डर से अगर आप देखें तो आपको दूर से साथ ही यानी कि नजर आएगा, और लोग जो हैं वो खाद खेती बाड़ी करते हुए भी नजर आएंगे। वो तो बिल्कुल साथ ही है, यानी कि बिल्कुल साथ, बिल्कुल ही करीब। तो इस तरह ये हेड सुलेमान की से होता हुआ, फिर हेड इस्लाम से होता हुआ, यानी हेड पल्ला था पहले उसका नाम, फिर ये होता हुआ यहाँ बहावलपुर से गुजरता हुआ ये फिर दरिया पंज नद के मकाम पर दरिया सिंध में जाके ये गिर जाता है। तो इसी तरह दरिया रावी भी जो है वो भी बेच दिया गया था, दरिया प्यास भी, और इसी तरह दरिया घाघरा यानी हाकड़ा जिसे कहते हैं। तो ये है जी, मैंने कहा ये एक्सप्लोर कर करके आपको दिखाऊं बहावलपुर, स्टेट ऑफ बहावलपुर के जो यूनिक जो हैं बिल्डिंग्स हैं और जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, और जिस तरह ये पुल है दरिया पे जो है बहुत पुराना पुल है ये 1868 का, और उससे पहले मैंने आपको बता दिया कि इंडस क्वीन जो है वो यहाँ से ये पतन होता था, जहाँ पे ये मैं आज इस वक्त आपको ये किनारे पे, यहाँ पे लोग बहावलपुर के आके उसमें बैठ जाते, चाचणा तक, ये चाचणा शरीफ तक जाता था। इस वक्त जो है वो खस्ता हालत में है जो जहाज है, और बिल्कुल ही किनारे पे लगा हुआ है चाचणा शरीफ में। तो बस दुख ही होता है, तकलीफ भी होती है कि इस तरह ये वो हमारा असासा है वो महफूज हाथों में नहीं है। तो ये देखें पानी कैसे चल रहा है, और पानी भी साफ है, ये देखें साफ पानी। और मेरा भी दिल कर रहा था भी इसमें अब नहाऊं, लेकिन आज मैं अकेला ही निकल आया। मैंने कहा भी आपको इस दरिया सतलुज का जो है उसमें, क्योंकि पानी आ चुका है, उसका मैं विजिट आपको करवा दूं, ताकि आप लोग जो हैं दुनिया भर में जितने भी हैं वो ये देख सकें कि बहावलपुर रियासत के करीब ही ये दरिया सतलुज जो है वो कभी बहता था, लेकिन अब तो ये बिल्कुल ही, अब तो यहाँ पे ये जो जहाँ पे मैं खड़ा हूँ या आगे भी हैं लोगों ने फसलें वगैरह जो हैं ये आगे देखने के लिए फसलें वगैरह भी काश कर ली हुई हैं, और लोगों ने अपने घर भी तामीर कर लिए हुए हैं अर्ली साइड पे, अगर देखेंगे सामने वाली साइड पे। तो अगर ये 1988 में जैसे सैलाब आया था तो ये सारी आबादियाँ जो हैं वो, यानी इधर ये जो बंद मैं दिखा रहा हूँ ये बड़ा बंद, ये भी टूट चुका था और आगे बहावलपुर शहर में पानी दाखिल हो चुका था। ये है जी सूरत हाल दरियाए सतलुज, रिवर सतलुज, अ ब्यूटीफुल रिवर इन पाकिस्तान इन वर्ल्ड। और अगर ये पानी चलता रहता तो ये चौलिस्तान जो है ये इस वक्त यहाँ पे जो हजारों एकड़ लाखों एकड़ जमीन है वो बंजर पड़ी है तो वो आबाद हो चुकी होती। बहरहाल हमारे आबाओ अजदाद ने ये गलती की है दरियाए सतलुज देख के।
हालांकि इसको अगर आने वाले दिनों में पानी पे ही जंगे होनी है, मुझे लग रहा है पानी पे और ये पोल्यूशन पे, जो ये जो गर्तों को बाहर है, तो जैसे ही अब गाड़ियों का तो ख़त्म होता जा रहा है तकरीबन, लेकिन फिर भी है, और बाद शहर जो हैं इंतहाई अटमोस्ट गंदे हैं। तो ये है जी नाज़रीन सूरत हाल मैं जो आपको दिखा रहा हूँ, और ये फिर मेरा दिल नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ बार बार आपको एक एक चीज़ जो है बहावलपुर रियासत बहावलपुर की दिखाऊं, ताकि आपको बहावलपुर रियासत की खूबसूरती का पता चल सके। और ये था बहावलपुर का बॉर्डर जो शुमाल साइड पे था, यानी दरिया सतलुज ये बॉर्डर था, और 1748 में, मैं अब भी शार्ट वीडियोस में बता रहा हूँ, फुल वीडियोस भी मैं बना के दिखा रहा हूँ, तो उसमें 1748 में ये जनूब साइड पे बहावलपुर को आबाद किया गया था। छोटा सा शहर था, अब तो बहुत बड़ा शहर है, माशाल्लाह पुरअमन शहर है, खुला शहर है, खूबसूरत शहर है, हुसैन शहर है। मैं तो कहता हूँ कि मेरा सोना बहावलपुर जिंदाबाद ताकयामत, इंशाल्लाह पाकिस्तान भी ताकयामत कायम रहेगा और बहावलपुर भी। और रियासत बहावलपुर एक अमीर तरीन रियासत थी, नवाब फैमिली को जितना भी उनका एहसान का कहा, यानी उन्होंने बहुत बड़ा एहसान किया है, यानी उनको जितना भी उनको उनकी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। 17 हालांकि इंडिया ने बहुत जोर दिया कि रियासत बहावलपुर का इंतजाम जो है नवाब सादिक मोहम्मद खान अब्बासी पंजम को, कि यहाँ पे हमारे साथ इलाहा कर लें, बहुत बहुत सिफारिशें करवाईं, लेकिन वो नहीं माने, और उन्होंने सबसे पहले पाकिस्तान के साथ इलाहा का ऐलान किया। और पाकिस्तानी रियासत उस वक्त जब वजूद में आई 1947 में, तो उस वक्त खर्चा वगैरह जो है वो नहीं था, और रियासत बहावलपुर ने बहुत ज़्यादा कंपनसेट किया, हेल्प की। तो ये है जी, मैंने कहा ये भी आपको साथ साथ बताता चलूं, और मेरा दिल कर रहा है कि मैं कपड़ों समेत ही इसमें छलांग लगा दूं, लेकिन ये नहीं पता भी गहराई कितनी है, मुझे तो तैराकी भी नहीं आती, अब तो जहर अभी सांस भी फूल जाता है। तो ये पानी जो है इस वक्त काफ़ी पानी आ रहा है, ये मशरिक साइड है और ये जो है मगरिब साइड है। तो नाजरीन ये है जी, इसी के साथ मैं मज़ीद भी आपको ये पानी तकरीबन यहाँ तक आ चुका था, ये देखें यहाँ तक, लेकिन अब जो है वो पानी जो है कम होता गया। हालांकि सबसे पहले ये 15-20 दिन पहले पता चला था कि बहुत बड़ा सैलाबी रेला आ रहा है, लेकिन पानी जो है अब कम होना शुरू हो गया है। लेकिन इस वक्त जनूबी पंजाब जो है, बलूचिस्तान और सिंध, तारीख के बदतरीन जो है वो इस वक्त सैलाब की जद में है। बारिशें इतनी हैं, बारिशें ये देख लें, अब भी देख लें कि ये देख लें, ये मगरिब साइड है, और कहीं पे भी बारिश जो है वो तेज़ बरस रही है, और मुसलसल 20-25 दिन से प्री मानसून, फिर मानसून शुरू हुआ, और फिर बारिशें जो हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रही। और ये भी सुना है कि ये मौसमियाती जो तब्दीली है ये सितंबर के मिड तक जाएगी, और पाकिस्तान जो है दुनिया का 10वां मुल्क है जो मौसमियाती तब्दीली का शिकार हो चुका है। तो ये नाजरीन, ये है मालूमात, और दो कश्तियां, दो बल्कि तीन मुझे नज़र आ रही हैं, और लोग जो हैं इधर आके पिकनिक वगैरह जो है वो बना रहे हैं। तो ये है जी नाजरीन, इसके साथ ही मैं अब आपसे इजाज़त लूँगा, लेकिन फिर भी दिल नहीं कर रहा, हवा वैसे ठंडी, अब हवा, पहले तो मुझे गर्मी महसूस हुई थी, लेकिन अब जो है वो हवा ठंडी होनी शुरू हो गई है। तो ये देखें यहाँ भी पानी आ गया, ये देखें ये साइड पे ऊपर तक पानी आया, ये पानी आके फिर ये खुश हुआ। तो ये है जी सूरत हाल, ये लोग जो हैं ये मैं आपको जो सामने दिखा रहा हूँ ये पिकनिक मना रहे हैं। मैं तो डाइटिंग पे हूँ, जाहिर है ये देखें यहाँ तक, ये देखें ये झाड़ियों के अंदर यहाँ तक पानी, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जी ये
ये झाड़ियों के अंदर तक जो है वो पानी आ चुका था। अब पानी जो है वो का जो है वो नीचे जाना शुरू हो गया है। अब जो है मैं ऊपर वन पे चढ़ूंगा। ये भी मैं इसको इसका भी मंजर आपको दिखा दूं। ये काफी ऊंचाई पे है वो सामने खड़ी, और ये देखें ये मजीद इसके ऊपर एक और इसके आगे जो है वो फसलें हैं। ये है नाजरीन, वो देखें एक और कश्ती जो है वो पानी में रवा दवा है। ये देखें दूर कितनी दूर, ये दूर कितनी दूर, मंजर नजर आ रहे हैं पाकिस्तानी फ्लैग। ये देखें ये कश्ती के ऊपर लगा हुआ है और माशाल्लाह और लहरा रहा है, और अल्लाह करे इसी तरह ता कयामत लहराता रहे हमारा पाकिस्तान, प्यारा पाकिस्तान जिंदाबाद। Everything that you did, that you said, I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you, I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there, kabusa laga ke, aur kursiyan wagaira bhi rakhi hai. बाहर ये अर्निंग आमदनी का एक जरिया है। अगर यहाँ पे दरिया में पानी मुसलसल चल रहा होता पूरा साल तो यहाँ काफी रोजगार बनता और काफी ज्यादा पाकिस्तान को सारे मुबाद रहा। तो नाजरीन इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। हाफिज़।